राज्य में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या करवा रही है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट कर छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और ऐसे में ये बताता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार विपक्ष से कितनी डरी हुई है और लोकतांत्रिक कदम भूपेश बघेल की सरकार उठा रही है। भूपेश बघेल को न तो संविधान पर भरोसा है, न लोकतंत्र पर भरोसा है। आज सरकार डरी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जगदलपुर में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और कल पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम आंदोलन करने वाली है। भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि 2003 से पहले जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, उसने भी इसी प्रकार से तानाशाही और अलोकतांत्रिक कदम उठाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ कर फेंका था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, पूरी दमदारी से निभाएगी और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित में लगातार हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।